तुम्हें गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, इसको मैं गिफ्ट चाहिए, दो लूंगी। पहले वन की बात हुई थी, अब टू लेगी। अभी उतारने में गिर जाऊंगी, पकड़ ले सीढ़ी। कितने कितने सेल्फिश बच्चे हैं आज के टाइम में। ध्वनि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा गेम खेल रही हो आप? समर शुरू हो गई है, पिछले सारे कपड़े कौन मेरे मतलब छोटे भी हो जाते हैं, कुछ और नया क्रेज भी रहता है, नए नए कपड़े मंगवाने। मैंने तो अपने लिए मंगाया बड़ा भाव, तुम्हें खाना है तो बताओ। ये है रेड चिली और ये खाएगी ध्वनि। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज ये बच्चों ने इतना हुड़दंग मचाया हुआ है घर में, ये देखो आप। तभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया शूट करना, मैं दिखाऊं ये बच्चे कैसे जिद करते हैं। देखो देखो कहाँ चढ़े हुए हैं इन, इसके सारे गिफ्ट्स इन बच्चों के मैंने इसमें 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 सब में भर रखे हैं, लेकिन इन्होंने जिद मचा रखी है, हमें गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, इसको गिफ्ट चाहिए, दो लूंगी। पहले वन की बात हुई थी, अब टू लेगी। और टू क्यों चढ़ी हुई है नीचे? फ्रेंड्स, अगर इसके गिर जाए ना और इसकी कुछ क्रैक व्रैक हो जाए, बोन हड्डी वड्डी हो जाए। बोल तो रोनी, मैं निकालूंगी। नीचे उतर, नीचे उतर। फ्रेंड्स, कितने जिद्दी बच्चे हैं, आप लोग भी ऐसी जिद करते हो अपने घर में? करते हो कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो, अभी अभी उसकी हड्डी टूट रही थी, तेरी भी टूटेगी। मैंने गेम में देखा था कि जब कोई सीढ़ी से गिर गया उसकी हड्डी टूट गई। बेटा उतरो जल्दी से, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, तू दो चीजें ले लियो, हट तो चल जल्दी, सीढ़ी पकड़ लो। सीढ़ी पकड़ ली। मैं तो पहले ही गिर रही हूँ, देखते हैं क्या लेंगे बच्चे। मम्मी डू वन थिंग, मैंने डायरी निकाल दो, वो जो वहाँ पे रखी है। डू वन थिंग, ये पकड़ ले, कभी तेरी डायरी के चक्कर में मेरा डायरा बन जाए। कौन सी डायरी? ये वाली? हाँ, नहीं, और दूसरी वाली? ये वाली। हाँ, लो जी लो, ये मैंने निकाली। और वो मम्मी पिक्चर का, कौन सा पिक्चर का? अरे यहाँ पे राइट में, मतलब लेफ्ट में दिखा ये। हाँ, ये क्या करोगे इसका? ये गेम है, बते दे। अच्छा चलो, तो ठीक है। हाँ जी, अब आप बोलो आपको क्या चाहिए। एक तो दीदी को झाड़ू पोछा लगा लो। अच्छा, जो दीदी ने आपको झाड़ू पोछा दिया था, लो लगाना। और क्या चाहिए? और देखो, दीदी बुक भी ले लो बेटा, दीदी कर लेना बुक। मैं लूंगी, हम बड़ी चीजें लेते हैं। लो जी लो, ये ध्वनि कैसे कर लेगी, जिसने भी ध्वनि को गिफ्ट दिया है, ये तेरे लिए दिया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना जिद करते हैं बच्चे। और हाँ, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भी देख रही हूँ, मैं सीढ़ी से खड़ी हुई देख रही हूँ। नहीं किया ना, अभी नहीं किया है। देखो अभी भी रेड दिख रहा है, वो ग्रे कर दो, बट डन कर दिया ग्रे, वेरी गुड। रेड रेड को ग्रे कर दो, ग्रे को बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो चलो मैं उतर जाती हूँ, वरना मेरी हड्डी टूट जाएगी। ओ भाई, ये रही मेरी पेंटिंग, और मेरे को बिल्कुल नहीं पता है क्या बनना है। अरे मुझे उतार दे, मैं गिर जाऊंगी, पकड़ ले सीढ़ी। कितने कितने सेल्फिश बच्चे हैं आज के टाइम में। देखा, मम्मी चढ़ी हुई है, लेकिन इन्हीं के लिए चढ़ी हुई है, लेकिन अपने काम मिलते ही, अपना सामान मिलते ही भाग लिए यहाँ से ना। ध्वनि क्या हो रहा है यहाँ पे? पेंटिंग। जो पेंटिंग ध्वनि ने निकाली थी वो इसने स्टार्ट कर दी है। इसमें नंबर लिखे होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर आप पेंट कर रहे हो ध्वनि। यहाँ पे ब्रश निकालना है।
अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स इस पे कलर्स पे भी नंबर लिखे हुए हैं एंड पेंटिंग पे भी देख सकते हो आप नंबर लिखे हुए हैं। उसमें से ब्रश से वो कलर उठाना है और वो उसमें करना है। जैसे ध्वनि ने यहाँ पे कौन से नंबर का कलर किया है, वो कलर से ही छुप गया है, पता नहीं। अब जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है तो 19 कलर था, ये 22 था। अच्छा 22 था, तो ये वाला 23 था। अच्छा ये वाला भी 22 था। अच्छा ये वाला था 17। तो आपको मजा आ रहा है पेंटिंग करके? और ये क्या खा रहे हो आप? वेफीज। खाना खा लो, खाना बन गया है, मैं खाना लगा रही हूँ। खाने की चोर मत बनो, आ रही बात समझ में? मैं क्यों धो कर आऊँ, खुद करो अपना काम, स्वयं करें। जाओ 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 जाओ, भागी 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 भागी। ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर किया आपने तो ब्लैक कलर ही होगा ना। चलो आगे 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 आगे। हाँ तो ब्लैक कलर ही होगा। तो चलो जल्दी से अपनी पेंटिंग कंप्लीट। इस पेंटिंग में तो आपको कई महीने लग जाएंगे कंप्लीट करने में। चलो आप थोड़े थोड़े दिन ना इसमें बिजी रहो, तो जिन्नी आती होगी हाँ तो चलो आप पेंटिंग करो। मैं ना ध्यान से कर रही हूँ, पता है गलत हो गया। ये हो गया था, मैंने फिर उसके ऊपर पिंक के ऊपर इसके ऊपर ये 22 था पर मैंने 20 कर दिया, तो फिर मैंने उसके ऊपर ये ड्रैग किया तो बन गया फर्स्ट टाइम, तो बन गया है ना, सही कलर बन गया। तो चलो करो। A few moments later. ध्वनि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा गेम खेल रही हो आप? लड़की के बाल। ये कौन सा गेम है? लड़की के बाल बनते पर ये कुछ नया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़की के बाल बनाते हैं पर ये कुछ नया है, मैं बहुत टाइम से इसे ट्राई करने की कोशिश कर रही हूं, पर ये हो नहीं रहा, तो नेक्स्ट गेम पे चलो मूव होते हैं। नेक्स्ट गेम पे मूव हो रहे हो। आपने पढ़ाई कर ली क्यों मैथ की? क्या किया है आपने आज? और मैम ने डांटा है ना आज की, पेपर लेके क्यों बैठे रहते हो, कॉपी पे क्यों नहीं करते हो? क्या किया है? 2+0=2, 2 की टेबल करी है। और ये साइकिल क्यों बना रखी है आपने? वो आंसर था क्वेश्चन के लिए। अच्छा अच्छी साइकिल बना रखी है ध्वनि आपने तो? ये कौन सी दुनिया की साइकिल होती है? ये बहुत अच्छी साइकिल बना रखी है आपने। हैं? कौन सी दुनिया की साइकिल बना रखी है? अब मैं दूसरे गेम पे आ गई हूं। अच्छा दूसरे गेम पे आ गए हो, क्या खेल रहे हो आप? मैं बालों का खेल रही हूं। अच्छा अब इसे पार्टी में जाना, पार्टी में जाना है। आपका सारा दिन दिमाग हेयर स्टाइल ड्रेस पार्टी में क्यों चलता है? पढ़ाई में भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया करो। मैं ना ट्यूशन से आते ही अपना होमवर्क किया था। अच्छा और ये क्यों मैथ के लिए शीट क्यों निकाल रखी थी, कॉपी कहाँ चली गई आपकी मैथ की? क्योंकि हमारी ट्यूशन वाली मैम कहती है कि इस जो आपकी क्यों मैथ वाली मैम पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगी वो सब मिक्स हो जाएगा, तो ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप अलग कॉपी बना ही सकते हो ना ध्वनि? अच्छा इतनी सारी कॉपीज रखी हुई है, हाँ नीचे ड्रॉअर में। ये क्या है, ये क्या है? फ्रेंड्स आपके सब देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हो आप ध्वनि कैसे बात कर रही है मम्मा से, वो फन कर रही है। अच्छा आप स्पा करो। और ट्यूशन में क्या किया आपने? नंबर नेम 61 to 100 सारे सही हैं आपके? और क्या? ये तो गलत लिखा हुआ है आपने क्या? और मैम ने सही किया हुआ है, बताओ फ्रेंड्स देखो ट्यूशन वाली मैम ने भी सही कर रखा है। 96 है, आपने 96 लिख दिया है। और यहाँ पे भी 95 94, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैम ने चेक कर रखा है, बताओ मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक छोड़ रखी है। फ्रेंड्स देखो टीचर्स भी कैसे चेक करती हैं, देखो देखो मैं कल मैम से बात करती हूँ ये कैसे गलत को सही कर रखा है। तो चलो आप ये गेम फिनिश करो जल्दी से अपना, मैं जिनी को देखती हूँ जिनी क्या कर रही है। आप बाल बनाती रहो और अपना यहाँ से क्लीन अप करो, मैं जरा जिनी को देख कर आई। जिनी क्या कर रहे हो आप यहाँ पे?
मतलब मैंने अपने लिए न्यू क्लोथ मंगवाए, जैसे कि सबको पता है कि समर शुरू हो गई है, पिछले सारे कपड़े अब कौन पहने, मतलब छोटे भी हो जाते हैं, कुछ और नया क्रेज भी रहता है, नए नए कपड़े मंगवाने। मैंने अपने लिए मंगवाई है बेल बॉटम, और इसको देखते ही मुझे वो लगाना है अलग, सखियां ने मैंने मेरे मार दिया, कुटिया ने चला लगे प्यार दिया, आगे का नहीं आता मेरे को, लिरिक्स नहीं आते मेरे को, गाना है वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना आपने गाया। तो चलो अपना खड़े होके तो दिखाओ लुक जरा, कैसी लग रही हो, ये अभी भी लंबी लग रही है मुझे, ये लंबी ये ऐसी होती है। आप इसको ऑल्टर करा सकते हैं मैडम, यस मैडम क्यूरी। तो चलो जल्दी जल्दी अपने कपड़े अपनी अलमीरा में रखो, सब सारा रूम वूम क्लीन करो, चलो यहाँ से। चलो लेटर दैट सेम इवनिंग। अरे सोना नहीं है क्या बच्चों? नहीं क्या होती है, सोएंगे तो तब, जब मैं पहले जिनी का होमवर्क कराऊंगा। अब देखो तुम तो मुझे कह रही थी क्या कहीं घुमाएं लेके चलो, घुमाएं लेके चलो, तो घूमने तो तब जाएंगे जब मैं बच्चों का होमवर्क कंप्लीट कराऊंगा, फिर वहाँ पे घूमेंगे या होमवर्क करेंगे। हाँ तो आधी रात को होमवर्क होगा तुम्हारा, अभी आधी रात का, अभी तो 11 ही बजे है। और तू रात को सफाई करेगी घर की? ये देखो ये है इसका वैक्यूम क्लीनर, इसमें मैंने बिजली ऑन कर दिया है, अभी देखो जिनी के बाल खींचेगी। टूट गया, तोड़ दिया, मेरे बाल इतने मजबूत है, मतलब मेरे फ्रेंड इसके बाल ना झाड़ू जैसे मजबूत है। और ये है देखो पोछा, फ्रेंड देखो ये है पोछा, जैसे अब देखो जिनी का लैपटॉप हो रहा है गंदा, तो हम इस पे पोछा लगा लगा के हम इसको साफ कर रहे हैं, पानी भी है, और अब हम इसको डस्ट करके साफ करेंगे। देखो फ्रेंड ये वाइपर का काम कर रहा है हमारा जिनी, अब ये सारे टॉयज का ना तेरे को भी इस्तेमाल करना है, ताकि तेरा भी लैपटॉप साफ हो। जो लड़की अपना सारा सामान गंदा रखती है, फ्रेंड देखो कितना अच्छा हो रहा है, बहुत चमक। अरे भाई सफाई आज ही होगी क्या पूरे घर की? इसमें देखो मैंने तो अपने लिए मंगाया बड़ा पाव, तुम्हें खाना है तो बताओ। बताओ 11 बजे बड़ा पाव मंगाया, मैंने जो मूंग की दाल के छीले बनाए थे अच्छे नहीं बने थे। मुझे ना अपने साले साहब की याद आ गई कि वो मुझे रात को 11 बजे ना वहाँ पे चौपाटी पे बड़ा पाव खाने ले जाते थे, तो मैंने कहा अब देखो मैं मुंबई में तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ दिल्ली में, तो मैंने बस ऑर्डर किया टक 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 टक, और अब आने वाला मेरा बड़ा पाव, और मैं भी खाऊंगी। हाँ तो ध्वनि जल्दी से इसको रख, ये क्या अपनी बाल्टी पोछे की लेके घूम रही है। ये देखिए 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 क्या हो रहा है, ये पोछा पोछा, अरे वो खराब हो जाएगा सारा, क्या करे जा रही है। तो चलो इनकी तो मस्ती, लैपटॉप हटाओ और ये जल्दी से बंद करो, क्योंकि हम खाने वाले हैं बड़ा पाव। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गया है हम लोगों का पसंदीदा बड़ा पाव, और ये है मुंबई का स्पेशल दिल्ली में। फ्रेंड देखो ये है रेड चिली और ये खाएगी धोनी, और फ्रेंड ये है ग्रीन चिली, ये खाएगी जिनी, और मैं हूँ सीधा साधा सा आदमी, मैं खाऊंगा वड़ा पाव। हम दोनों भी नहीं खाएंगे चिलीज वगैरह। येलो बड़ा पाव, येलो बड़ा पाव, इसको थोड़ा हम डालते हैं वापस स्नैपर में। अच्छा मैं लूँ ये वाली प्लेट, मतलब ग्रीन मिर्च खिलाओगे मुझे? हाँ। फ्रेंड देखो मैं तो टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। ग्रीन मिर्च कैसा? ऐसे खोला, मैंने भी खोला, फिर ऐसे खोला, फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, सबसे पहले मैंने खोला तो प्राइस मिलता है मुझे। अच्छा ये कोई प्राइस वाला नहीं था, आपने रेस वगैरह कुछ नहीं बताया था। ये हमारा बड़ा था, ये रहा हमारा। फ्रेंड देखो ये है चिली, मैं भी थोड़ी बोल, फ्रेंड ये ना एक्चुअल में सिर्फ चिली नहीं होती है, इसमें थोड़ी थोड़ी गार्लिक भी होती है, ये मैं थोड़ी थोड़ी खाती हूं, और ये स्पेशलिटी है देखो फ्रेंड्स, ये देखो इसी में बहुत मिर्ची लगती है, इस बड़े पाव में मुझे बहुत मिर्ची लगती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं डाल। फ्रेंड देखो मैं इसमें मिर्च डाल रहा हूं, मैं थोड़ी बहुत ऐसी, ध्वनि मुंह जल जाएगा, मिर्ची मत खाओ। हाँ कभी देखो मैंने इसमें डाली मिर्च, और जिस जिसको भी अपना मुंह जलाना हो फील फ्री टू टेक इट फ्रॉम मी, आप मैं करने जा रहा हूँ टेस्ट, क्योंकि मैं हूँ शेफ संजीव कपूर। कैसा है, यमी? चलो गुड गुड, बिना बात की अभी मिर्ची लग गई। बड़ा पाव तो बहुत बढ़िया, और हमारी नौकरियों पे चलती रहेगी, तो आप जल्दी से इस ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर दो सब्सक्राइब। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।
अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।